विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले के 1485 मतदान केंद्रों के लिए मानस भवन पॉलिटेक्निकल कॉलेज और साइंस कॉलेज से मतदान दलों को सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही दुर्ग रविशंकर स्टेडियम से मतदान कर्मियों की बसें रवाना हुई। दुर्ग विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले के 1485 मतदान केंद्रों के लिए गुरुवार को दुर्ग के मानस भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज और साइंस कॉलेज से मतदान दलों को मतदान सामग्रियों का वितरण किया गया। इसे मानस भवन दुर्ग में विधानसभा पाटन दुर्ग शहर साजा बेमेतरा आंशिक के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में दुर्ग ग्रामीण एवं अहिवारा तथा साइंस कॉलेज में भिलाई नगर और वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को सामग्रियों का वितरण किया गया। शुक्रवार को होने जा रहे सभी 6 विधानसभा में चुनाव को लेकर मतदान कराने मतदान कर्मियों को चुनाव सामग्रियों के वितरण को लेकर सुबह 6 बजे से ही बुला लिया गया था। वहीं सामग्री स्थल पहुंचे मतदान कर्मियों को अपने पोलिंग बूथ की स्थिति जानने काउंटर में भीड़ नजर आई। इसके बाद सभी मतदान कर्मी अपने अपने बूथ पर जाने रविशंकर स्टेडियम में खड़े वाहन पर बैठकर रवाना हुए। मतदान कर्मियों को मिले निर्देश पर 17 नवंबर को शाम 5 बजे से ही जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र एवं 2 आंशिक विधानसभा क्षेत्रों की मतदान सामग्रियों को वापस शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज जुनवानी में व्यवस्थित किया जाएगा। हमारे यहाँ पर 1485 पोलिंग स्टेशन हैं और सभी में सामग्री जो सारी जो टीम है आज सभी सुबह 8 बजे से टीम आ गई थी। सभी का आज सामग्री का वितरण किया जा चुका है। अब टीम्स को अपने अपने जो सेक्टर है और पोलिंग स्टेशन से वहाँ पे अभी डिस्पैच करने का काम अभी वह सब स्टार्ट हो रहा है। इस बार कोशिश ये की गई है कि सारे पोलिंग स्टेशन पे वोटर्स को भी बहुत अच्छा एक माहौल मिले, सभी तरह की आवश्यक सुविधाएं उनको मिले, बहुत लंबी क्यू में ना लगना पड़े, छाया पानी शौचालय इन सभी की अच्छी व्यवस्था उनके पास रहे। साथ साथ में जो हमारी पोलिंग टीम जब जाती है रात को स्टे करती है तो उनके लिए भी एक अच्छा एक माहौल वहाँ पर है, उनको असुविधा ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। साथ में पुलिस की तरफ से भी और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हमने पर्याप्त मात्रा में पूरे जिले के 1485 पोलिंग स्टेशन्स में लगाई हैं और 735 पोलिंग स्टेशन्स पे हमारी लाइव वेबकास्टिंग चल रही है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से भी देखा जा सकता है, स्टेट इलेक्शन ऑफिस में भी उनको देखा जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में भी कलेक्ट्रेट के अंदर भी उन सारे पोलिंग स्टेशन्स का पूरा लाइव उसमें देखा जा सकता है। इनमें 2 हमारी संवेदनशील पोलिंग स्टेशन हैं और कानून व्यवस्था के हिसाब से लगभग हमने 385 पोलिंग स्टेशन रखे थे जो संवेदनशील हम मान रहे थे तो उनको भी इसमें हमने रखा है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल 17 तारीख को दुर्ग जिले में और पूरे छत्तीसगढ़ में सेकंड फेज का चुनाव है, तो आज यहाँ 16 तारीख को जिला मुख्यालय दुर्ग में 3 वितरण केंद्र बनाए गए हैं। एक मानस भवन है जिसमें के 2 विधानसभा हैं, विधानसभा पाटन और दुर्ग शहरी, और साथ ही जो हमारे जो 2 आंशिक विधानसभाएं हैं साजा और बेमित्रा, इनके जो वितरण केंद्र पे हमारे जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनको मतदान दल को वहाँ से वितरित किया जा रहा है। साथ ही उनके हर एक मतदान दल के साथ एक एक हमारा पुलिस का जवान या कोटवार या होमगार्ड जो भी SPOs हैं वो रहते हैं तो उनको वहाँ से वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो वितरण केंद्र है वो साइंस कॉलेज है जिसमें के हमारे विधानसभा भिलाई नगर और वैशाली नगर इन दोनों का वितरण किया जा रहा है, और तीसरा हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसमें के दुर्ग ग्रामीण और अहिवारा विधानसभा का वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार कुल 1485 पोलिंग बूथ हैं जिसमें के 584 के करीब हमारे जो संवेदनशील पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, तो इनमें हमारे जो पुलिस के जवान और कोटवार के अलावा सभी जगहों पर अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। आज यहाँ वितरण केंद्र से हमारी जो सारी पोलिंग पार्टीज हैं मतदान केंद्रों पर पहुँच जाएंगी और कल सुबह से जो निर्धारित 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न सेक्टरों में बांटा गया है पूरे क्षेत्र को, करीब 70 हमारी सेक्टर पेट्रोलिंग पार्टीज बनाई गई हैं
और 132 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनके साथ एक एक सेक्टर पुलिस अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। इस प्रकार पूरी तरीके से शांतिपूर्वक मतदान कराने हेतु व्यवस्था लगाई गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम शांतिपूर्वक मतदान कराने में सफल रहेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।